उदयपुर के नाई थाना सर्कल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 18 लोग लोडिंग टेम्पो में बैठकर नाई थाना क्षेत्र के कालीवास गांव से अपने घर लौट रहे थे, तभी नादेश्वर मंदिर के पीछे बने खड्डे में लोडिंग टेम्पो गिरने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 13 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें एमबी चिकित्सालय में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। घटना इतनी गंभीर थी कि उदयपुर एसपी मनोज कुमार और जिला कलेक्टर ताराचंद मीना भी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को ये 18 लोग, जो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये लोग अपने किसी निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोडिंग टेम्पो में बैठकर वापस लौट रहे थे कि नादेश्वर के पीछे बने खड्डे में उनका ऑटो अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया, जिसमें 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, तो वहीं 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमबी चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर बता दें, उदयपुर के नाई थाना सर्कल में नादेश्वर मंदिर के पास खाई या घाटे में गिरने से, खड्डे में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, और 13 अन्य लोग घायल हैं, सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो कि कालीवास गांव से किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में ये हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एमबी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और उनसे मुलाकात करने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार भी पहुँचे हैं। इन्होंने घटना का जायज़ा लिया है और लगातार उनका इलाज जारी है। मृतकों की के शव को मुर्दा घर में रखवा दिया गया है। घटना उदयपुर के नाई थाना सर्कल के नादेश्वर मंदिर के पीछे खड्डे में लोडिंग टेम्पो के गिरने से हुई। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, जहां एक ही परिवार के 18 लोग किसी निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है, जिनको लगातार इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आल सुमन और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों की स्थिति जानने के लिए, और लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं मृतकों के शव को, जो कि 5 लोग हैं, उन्हें मुर्दा घर में रखवा दिया गया है। डिटेल आपको एसपी साहब और पोस्टवाल साहब ने जैसा बताया कि डिटेल में बताया जा चुका है, 18 ये कुल महिलाएं, बच्चे और वयस्क है, जिसमें से 5 की डेथ हुई है और 13 अभी घायल है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। घायलों की स्थिति में 2 जो घायल है उनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है। प्राइम एफेसिया तो अभी डिटेल में तो देखा जाएगा, लेकिन प्राइम एफेसिया जो ड्राइवर है उसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना ऐसा प्रतीत होता है, जिससे कि गाड़ी खाई में गिर गई। ओवरलोड पिकअप में पर्याप्त जगह थी, वैसे ओवरलोड जैसी चीज़ तो अभी प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आती है, चूँकि ड्राइवर ने वाहन का जो चालक था वो प्रॉपरली नहीं चला पाया, इसलिए दुर्घटना कर दी। देख लेना ना, एक बार देख लें, फिर उसके बाद ही बताएंगे ना। एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, मिलते ही हमारे पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने हमें सूचना दी, हम भी कोई मीटिंग में थे, कलेक्टर साहब और हम दोनों साथ ही मौके पे चले भी गए, और अभी हॉस्पिटल में हमने यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को लगा रखा है, डॉक्टर से हमारी बात हो गई थी, तो व्यवस्थाएँ भी आपने देखी होगी, माकूल व्यवस्थाएँ। तो 13 घायल और 5 डेथ की अभी खबर आ रही है, इसके अलावा और कोई स्थिति होगी तो उसके अनुसार। ये एक कोई गांव है कालीवास, कोई फंक्शन में गए थे, वहाँ से वापस खरजाली या ऐसा कोई गांव है, वहाँ ये वापस अपने गांव आ रहे थे, एक ही गांव के लोग थे, परिवार के लोग थे आसपास के, तो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बड़े सब थे उसमें।